फर्ज है
कि मैं हर भाई खुशखबरी अपने दिल से अब सब मोहतरम अल्लाह पाक आप सबको सलामत रखे और अल्लाह हम सबको इस घर घर मस्जिद को मरकज को आबाद शहर और जो बशर तकाजे होते हैं जो बशर तकाजे बस मुसल शैतान के होते हैं इस शैतान ने क्या करना होता है ये तकलीफ की बात करके मैं गुफ्तगू शुरू करता हूँ कि कोई बात हो गई किसी ने बात कर दी वो दिल पर गरान गुजरी जब गरान गुजरी तो बंदे ने उसको दिल में रख लिया कि यार इन्हें मेरे नाल गल की गुस्से के पेचे बंदा घर हो गया बाद में शैतान उसको क्या कहता है कि यार तेरी कोई इज्जत ही को नहीं है ऐ भी तू करना है भी तू करना है तेरी कोई इज्जत ही को नहीं तो शैतान का काम क्या होता है बस उसने एक वसवसा छोड़ दिया अब आगे बंदा खुद ब खुद उसके वो वसवसा काम आगे करता क्या है कि बंदा वो जो है उसके वसवसे में आके ये नहीं सोचता कि ये खिदमत थी जो अल्लाह ने मुझे दी थी अल्लाह ने मुझे दी थी अब एक और बात याद रखें कितने लोग हैं जिनको ये सआदत मिलती है कि अल्लाह के घर में आए कितने लोग हैं जिनको ये खिदमत मिलती है कि वो अल्लाह के घर की सफाई करें अल्लाह के घर में अल्लाह के मेहमानों का खाना पकाए अल्लाह के मेहमान जिसमें खाना खाएं उस बर्तनों को धोए उन लेटरिनों को साफ करें जिसमें अल्लाह के मेहमान आते हैं हर किसी को भी ये खिदमत मिलती है और जिसको भी खिदमत मिले वो क्या करे और लोगों को ना देखे बस एक ही बात जिसके घर की सफाई कर रहा है उसकी तरफ निगाह रखे अल्लाह और उसके रसूल की तरफ क्योंकि अजर अल्लाह और उसके रसूल ने देना बंदे ने कुछ नहीं देना तो ये बड़ा जरूरी होता है कि वो शैतान जो वसवसा डाले उसका असर जाहिर करके खिदमत ना छोड़ी जाए खिदमत ना छोड़ी जाए सूफिया की अब जिंदगी पढ़ते हैं सूफिया की जिंदगी पढ़ते हैं आप देखते हैं कि अगर कोई मिसाल के तौर पर साबर पिया साबर कलिय शरीफ वाले ये बांध के थे हजरत बाबा फरीद के तो वो जब आपके शेराम के पास छोड़ कर गई भाई इनको अपने साथ रख रहे हैं इनकी तरबियत फरमाए तो आपने अपना बेटे लंगर तकसीम किया क्या खिदमत बताई और जो किसी सूफी को भी देखेंगे 30-30 साल वो क्या करते रहे बस खिदमत करते रहे लोगों की तो खिदमत से ही सब कुछ मिलता है मतलब खिदमत से सब तो जो जिसने करना है उसके उसने सिला लेना है हम जो लोग होते हैं ऐसे ही हमें प्रोटोकॉल मिलता रहता है ऐसे ही दोस्तों की मोहब्बत होती है प्रोटोकॉल फिर मुबारक रहेंगे करते हैं स्टेज पर हमें बिठाते हैं तो हम इसके हकदार तो नहीं होते अल्लाह ताला भाइयों को जजा दे जो ये जुमले हमारे लिए बोलते हैं याद रखें जिसने जो करना है सिला उसी ने लेना है हम जो प्रोटोकॉल ले लेते हैं हमें यही मिलता है और बर्तन धोने का अजर तो हमें नहीं ना मिलना वो तो जिन्होंने करना उन्हें मिलना है अल्लाह पाक सब की खिदमत को कबूल फरमाए और कोशिश करें अल्लाह का घर अगर नसीब हो जाए तो ये खिदमत के जज्बे से आए हाजिरी के जज्बे से आए अल्लाह पाक आप सबको सलामत रखे वो बात ही जो जिसको तरोताज़ा करने के लिए ज़रूरी है कि उसको याद करते रहा जाए उसको याद किया जाए हर नमाज उसको याद दिलाने के लिए कोशिश की जाए इसको याद कर दे इंसान भूल जाता है फिर उसको याद कर दे अल्लाह पाक हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए आज चूँकि यकम मुहर्रम भी है और आज शहादत उमर फारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु हुई यकम मुहर्रम अल हराम को आपकी शहादत हुई तो कल मैंने ये मौज़ू शुरू किया था तो बिल्कुल थोड़ी गुफ्तगू की तो मैं चाहता हूँ इसी मज़मून को थोड़ा मुकम्मल कर लें इंशाल्लाह तो चूँकि मुहर्रम अल हराम का आज आगाज़ है तो मैं चाहूँगा कि यहाँ पर हज़रत मौला मशहूर कुशा का भी तज़किरा किया जाए मुहर्रम की निस्बत से चूँकि वो हदीस इंशाल्लाह बयान करूँगा बड़ी प्यारी हदीस है कि जो हज़रत उमर फारूक के हवाले से हज़रत अली मुर्तज़ा के जो अल्फाज हैं हदीस में इंशाल्लाह वो बयान करके साथ यौम शहादत उमर फारूक भी हो जाएगा और साथ मौला कायनात का तज़किरा भी हो जाएगा और ये जिसका भी तज़किरा हमने करना है ये तवस्सुल आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ये सदका हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का है सहाबा हो या अहले बैत इत्तहार हो सहाबा हो या अहले बैत इत्तहार हो ये सदका किनका है आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम का हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निस्बत से सहाबा भी हैं और अहले बैत इत्तहार भी हैं जो कुछ भी है वो सदका आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम का है दोस्तों मैंने सूरत अनफाल की
आयत नंबर 64 64 नंबर आयत तिलावत करने का शर्फ हासिल किया। बिला तमहीद मैं अपनी गुफ्तगू को शुरू कर रहा हूँ, मजीद वक्त की किल्लत के पेश नज़र अल्लाह रब्बुल इज्जत इरशाद फरमा रहे हैं कि ऐ मेरे महबूब अलैहिस्सलाम ऐ नबी मुअज़्ज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपके लिए अल्लाह काफ़ी है, आपके लिए अल्लाह काफ़ी है और वो मुसलमान काफ़ी हैं जिन्होंने आपकी पैरवी की, जिन्होंने आपके हाथ पर बैत की, जिन्होंने आपकी पैरवी की। आपको अल्लाह ही काफ़ी है और वो ईमान वाले जिन्होंने आपकी पैरवी की वो आपके लिए काफ़ी है। तो ये आयत जो है हज़रत उमर फ़ारूक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की शान में आपके हक में नाज़िल हुई। अब सबसे पहले मैं तफ़सीर इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को कोट करूँगा। तफ़सीर इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु में फरमाते हैं हज़रत सईद बिन जुबैर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु उनके ज़रिए से हज़रत इब्ने अब्बास रवायत करते हैं कि जब 39 मर्द और औरतें इस्लाम लाए उसके बाद हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जब इस्लाम लाए तो कुल तादाद 40 हो गई, उस वक़्त ये आयत नाज़िल हुई। तफसीर किसकी है? हजरत इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की तफसीर में बयान कर रहा हूँ कि जब 39 लोग आकर सलातुल्लाह के हाथ पर इस्लाम लाए मुसलमान हुए तो 40वीं जो हस्ती थी 40वीं हस्ती वो सैयदना उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इस्लाम लाए, उस वक़्त अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इरशाद फरमाया मुस्तफ़ा मेरे महबूब आपको अल्लाह ही काफ़ी है और वो ईमान वाले जिन्होंने आपके हाथ पर इस्लाम कबूल किया वो आपके लिए काफ़ी है। सुभान अल्लाह। तो ये कब ये हुआ कि जब आकर सलातुल्लाह ने अल्लाह रब्बुल इज्जत का पैगाम कोहे सफा पर रखा, एक अल्लाह को मानने की बात की तो वो लोग जो सादक और अमीन आपको कहते थे, अमानतदार भी कहते थे, सच्चा भी कहते थे, जिन्होंने 40 साल तक आकर सलातुल्लाह ने जो अपनी उम्र मुबारक के 40 साल उनके दरमियान मक्का वालों के दरमियान गुजारे तो वो लोग जो झूठ कभी मंसूब भी आपकी तरफ नहीं करते थे जब एक अल्लाह की बात की, अल्लाह की वादानियत की बात की तो जिन लोगों ने कभी झूठ मंसूब भी नहीं किया था माज़ अल्लाह अस्तग़फिरुल्लाह उन्होंने आकर सलातुल्लाह पर झूठ का इल्ज़ाम लगा दिया, झूठ की तोहमत लगा दी। कब? कि जब अल्लाह के एक होने की बात की, अल्लाह के एक होने की बात की, उससे पहले सादक और अमीन कहते थे तो जब मुसलमान गरीब लोगों ने इस्लाम कबूल किया तो छुप छुप कर आकर सलातुल्लाह की बारगाह में हाजिर होते, तरबियत हुजूर फरमाते तो जब ये हालात हो गए फिर उन पर सख्तियाँ होती, जुल्म ढाए जाते तो यदुल्ला वाले हाथ अल्लाह की बारगाह में आकर सलातुल्लाह ने उठाए, अर्ज की या रब्बुल आलमीन उमर बिन हश्शाम या उमर बिन खत्ताब से एक उमर मुझे अता फरमा दे ताकि तेरे दीन को तकवीयत मिल सके, एक उमर अता फरमा दे। तो हजरत उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आपके हक में आकर सलातुल्लाह की दुआ कबूल हुई और आपको यह सआदत मिली और 40 में जो मुसलमान हुए इस तरह हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इस्लाम ले। आकर सलातुल्लाह फरमाते कि सारे मेरे मुरीद हैं, क्या फरमाते? सारे मेरे मुरीद हैं, मुरीद हैं पर उमर मेरी मुराद है, उमर को मैंने खुदा से मांग कर दिया। मुराद से मुराद क्या होती है, मुराद का माना क्या होता है? इससे मुराद के मुराद है कि मैंने मांग कर अल्लाह से लिया, सारे मेरे मुरीद हैं यानी सारे सहाबा की मैं मुराद हूँ, सारे मुझे मांगते हैं मैं मुराद हूँ, सारे मेरे मुरीद हैं, सारे मेरे मुरीद हैं मैं सबके मुराद हूँ, लोगों सुन लो मेरी मुराद जो है वो मेरा उम्र फारूक है, ये मेरी मुराद है, सब मेरे मुरीद हैं पर उम्र मेरी मुराद है, मैंने अल्लाह से मांग कर उनको लिया। ये शान हजरत उम्र फारूक
رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا. اب اس کے بعد پھر ایک اور میں حوالہ دے دوں اسی طرح ابن عباس سے, حضرت اکرمہ اور حضرت ابن عباس سے روایت ہے, بزار نے اس کو سند کے ساتھ روایت کیا, وہ کہتے ہیں کہ حضرت عمر جب اسلام لائے تو مشرکین نے کہا کہ آج ہماری آدھی قوم تقسیم ہو گئی, ہماری آج آدھی قوم تقسیم ہو گئی, یعنی ہم آدھے رہ گئے ایک عمر کے اسلام قبول کرنے سے. کیوں؟ حضور نے جو فرمایا تھا کہ اللہ دو عمر جو ہیں ان میں سے ایک عمر عطا کر دے جو چاہتا ہے, جو تو چاہتا ہے. حضرت عمر فاروق جب اسلام لے آئے تو وہ مشرکین مکہ کہنے لگے کہ ہماری قوم آج تقسیم ہو گئی, آدھی رہ گئی, آدھی مسلمانوں کی طرف چلی گئی صرف ایک عمر کے مسلمان ہونے سے. اس کے بعد اب چونکہ وقت مختصر ہے میں اب ابن کثیر کا حوالہ دے دوں, ابھی اور حوالے تھے ابن عباس سے. ابن کثیر نے حضرت سعید بن مسیب اور سعید بن جبیر, حضرت ابن المسیب اور سعید بن جبیر فرماتے ہیں کہ یہ آیت حضرت عمر کے اسلام لانے کے وقت اتری کہ جب مسلمانوں کی تعداد 40 ہو گئی, ان کے پہلے 45 مسلمان تھے, یہ 40ویں ہستی اسلام لائی وہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. اس کو ابن کثیر نے بھی اپنی تفسیر میں لیا ہے, اپنی شرح میں لیا ہے. تو یہ سورت جو ہے یہ مکی مکہ میں یہ واقعہ ہوا, مگر عقل اسلام اسلام کے حکم کے مطابق اس کو مدنی صورتوں میں لکھا گیا. اب اس کے بعد کنزول